हम सब जीव हैं, अर्थात जीवन जी रहे हैं, और जीवन जीते समय उसके पश्चात की कल्पना भी करते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग मिलेगा, नर्क, अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा, या यमदूत हमें दंड दे रहे होंगे। परंतु एक प्रश्न सामने आता है, कभी ऐसा हो सकता है कि मृत्यु किसी और की हो और स्वर्ग हमें मिल जाए? नहीं, हमें स्वर्ग और नर्क हमारी ही मृत्यु के पश्चात मिलेगा। अर्थात यदि फल पाना है तो कर्म स्वयं को ही करना होता है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता, उसे पूर्ण करने के लिए स्वयं ही परिश्रम करना होता है। तो उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करो, क्योंकि यही एक मार्ग है स्वयं को संतुष्ट करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का। इस अग्नि को देख रहे हैं, क्या क्या कर सकती है ये अग्नि? प्रकाश दे सकती है, भोजन पका सकती है, और चाहे तो हमें जलाकर भस्म भी कर सकती है। ये जल हमारी प्यास बुझा सकता है या हमें डुबोकर मार भी सकता है। तो क्या ये इच्छा इस जल की है कि ये हमारी प्यास बुझाएगा या हमें डुबाकर मार देगा? या ये इच्छा इस अग्नि की है जो हमें प्रकाश देगी, जो हमें भोजन देगी, या हमें जलाकर भस्म कर देगी? नहीं, जल का गुण है बहना, अग्नि का गुण है जलना। अब ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसी जल और अग्नि की भांति ही संसार की हर वस्तु, संसार के लोग भी होते हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें से किसे मित्र बनाते हैं और किन्हें शत्रु। शक्ति है, पर निर्भर हम पर करता है कि उसे हम अपना उत्तरदायित्व बनाते हैं या अहंकार। धन है, परंतु निर्भर हम पर करता है कि उसे विकास के मार्ग पर लगाते हैं या व्यसन के मार्ग पर। ईश्वर ने आपको केवल जीवन दिया है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं या अभिशापित। अपने परिणामों का उत्तरदायी हमारे चयन होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि अपने चयन को, अपनी भावनाओं को उचित रखें। संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि यह कैसा प्रश्न हुआ, इसका उत्तर तो बड़ा सरल है। यही ना, परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर हैं। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध, तो कोई पति पत्नी का, और तो कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तनिक गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते हैं, या समाज में बना दिए जाते हैं, या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना। सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं, जिसमें ना कोई आकांक्षा होती है, ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद। अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते हैं, और फिर वो अपनी आय, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है। उसके मन में ये विचार आ जाता है कि मित्रता बराबरी वालों से ही होनी चाहिए। यही सोच अनुचित है, क्योंकि मित्रता बराबर वालों से नहीं होती, मित्रता हमें बराबर करती है। इसलिए नए मित्र अवश्य बनाएं, परंतु अपने पुराने मित्रों को भूलिएगा मत,
क्या कर रहा हूं मैं? दर्पण में देख रहा हूं। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीभा, है ना? अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते, एक नहीं दो बार आते, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं, और जीभा जन्म से पहले से होती है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है। आश्चर्य की बात, दंत कठोर होते हैं, जीभा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जीभा नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं? उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटाते, बहुत सारा धन कमाते, है ना? और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए? इस पंछी को देख रहे हैं, ये भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता है, पोसता है, उड़ना सिखाता है और भोजन का प्रबंध भी करना सिखाता है, परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से घोंसला नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यदि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी? वो अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाती, और उसका लाभ ये मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं दें जितनी आवश्यक है। मोह को त्यागे, आपका उनसे मोह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगा। अपनी संतान को कर्म करना सिखाइए। यदि आपकी संतान कर्म करना सीख गई तो वो धन स्वयं कमा लेगी, और यदि वो आलसी अकर्मण्य बन बैठे तो आपके संचित धन का भी नाश कर देगी। संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हो, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसीलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ? तनिक सोचिए, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है उसका अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है या एक डाकू को भी, और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकती। यदि डाकू के हाथों में आ गई तो उसका भय दिखाकर वो लोगों को लूटेगा, निरअपराधों का रक्त बहाएगा। सहायता करने वाले की भी अवस्था ऐसी ही होती है, इसलिए किसी की सहायता करने से पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे क्या, कब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ तो उसके उत्तरदायी
आप भी होंगे। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। तो जैसा अतिथि उसको वैसा ही सम्मान दे। यदि आपके पास कोई भाव से आए तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी ना करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना करें, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आप भी भाव अभाव और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधें, तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है? इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती है। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते हैं, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते, चिंता करते हैं, भय खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदा उनके साथ उन्हें मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाले। इसलिए अपनों के साथ अवश्य रहें, परंतु उन्हें बांधे नहीं। जन्म के पश्चात बालक जब पहली बार अपने नेत्र खोलता है तो उसका मन उत्सुकता से भरा होता है कि ये संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा है। ये उसके जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, अनुभव अर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता, हमारे जीवन का चाव होने लगता है। तनिक सोचिए, जब हम सुबह सोकर जगते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो उसे ही हम अपने जीवन का प्रारंभ समझ ले तो सुबह से लेकर संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ ले तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी आप, कितने काम कर पाएंगे आप, कितने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। पलों से मिलकर घड़ी बनती, घड़ी से मिलकर प्रहर, प्रहर से मिलकर दिन बनते हैं, और दिनों से माह और वर्ष। यदि आप अपना हर पल हर प्रहर विश्वास से, हर दिन उत्साह से जिए, तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों पर? ये सब विश्वास अपूर्ण है। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास ना हो, यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए।
आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें, आप अपने मन से पूछें, अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न करें और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन अपने अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः उमड़ेगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा।